गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। जावा टूल्स में हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा, जावा के फीचर्स देखे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावा का आर्किटेक्चर। जावा आर्किटेक्चर कंबाइंस द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जावा आर्किटेक्चर में कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों प्रोसेस है, वो कंबाइन है। देखिए, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में क्या होता है कि या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रीटर होता है, लेकिन जावा और डॉट नेट ये दोनों ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि इनमें कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों होते हैं। अब दोनों चीज़ें एक साथ हैं, कंपाइलर और इंटरप्रीटर, तो कुछ इनके फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान तो ये है कि कंपाइल भी करेंगे इंटरप्रीट भी करेंगे तो थोड़ा ये स्लो हो जाएगा। जैसे सी और सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में जावा थोड़ा स्लो रहेगा। द कोड रिटन इन जावा इज कन्वर्टेड इन टू बाइट कोड्स विच इज़ डन बाई द जावा कंपाइलर। तो जावा में हम सोर्स कोड लिखेंगे, वो हम किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने नोटपैड यूज किया तो नोटपैड के अंदर हमने जावा का प्रोग्राम लिखा, और जो प्रोग्राम ओरिजिनली हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो वो सोर्स कोड है, वो कंपाइलर के पास जाएगा। जब हम उसको कंपाइल करेंगे, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, वो प्रोग्राम का नेम क्या होता है, जो हमारी मेन क्लास का नेम है। मेन क्लास कौन सी होती है, जिसमें मेन फंक्शन लिखा हुआ है। तो जैसे ही सोर्स कोड है वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर चेक करता है कि इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है। अगर कुछ एरर आती है तो कंपाइलर मैसेज में दिखा देता है कि ये एरर है, और अगर कुछ भी एरर नहीं है तो कंपाइलर उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। द बाइट कोड्स देन आर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय द JVM। अब जो हमारा मशीन है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बाइट कोड को डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो बाइट कोड जाएगा इंटरप्रीटर के पास, जो कहाँ है, JVM के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन में। तो JVM है, वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। द मशीन कोड इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द मशीन। अब जो मशीन कोड है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो मैंने बताया कि ये स्लो होता है सी और सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है, हमारा सोर्स कोड होता है, उसको हम कंपाइल करते हैं और कंपाइलर डायरेक्टली उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और मशीन उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गई। पहले कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, बाइट कोड में करेगा, और फिर जावा वर्चुअल मशीन JVM है, वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी। जावा का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। सबसे पहले हमारा सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड वो कोड है जो हमने नोटपैड के अंदर कीबोर्ड से टाइप किया है, हमने ऐसा कोड जो इंसान को भी समझ में आ रहा है। सोर्स कोड जाएगा जावा कंपाइलर के पास, जावा कंपाइलर है उसको कंपाइल करेगा, उसको देखेगा कि उसमें कहीं एरर्स तो नहीं है, और अगर कुछ भी एरर उसमें नहीं है, जब तक उसमें एक भी एरर बाकी है, तो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो हमें मैसेज शो करता रहेगा कि इस लाइन नंबर में ये एरर है। हमने सारी एरर्स है उनको ठीक कर दिया, अब कोई भी एरर उसमें नहीं है तो कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब बाइट कोड है वो एक इंटरमीडिएटरी कोड है,
जैसे डॉट नेट में हमने पढ़ा था MSIL कोड बनता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। तो ये जो बाइट कोड है इसको मशीन है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, ये बाइट कोड जाएगा जावा वर्चुअल मशीन JVM के पास में। और JVM होता है वो हर एक मशीन का अपना अलग अलग JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन है वो बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में और इसको सौंप देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। मशीन कौन सी है हमारी? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन कोड सौंप देगा और मशीन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है जावा का। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, JVM, JRE और JDK। ये जावा भाषा के मुख्य तीन घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं, या इनको एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं। JVM ये होता है जावा वर्चुअल मशीन। इसका काम क्या है? बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बस इतना सा काम है इसका, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसका क्या काम है? ये क्या करता है कि जावा के जो प्रोग्राम्स हैं जो हमें रन करवाने हैं तो उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा पर्यावरण, ऐसा माहौल तैयार करता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसमें माहौल से, एनवायरनमेंट क्रिएट करने से क्या मतलब है कि जिन जिन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, उन सब की व्यवस्था वो सब हमें प्रोवाइड करता है JRE। JDK जावा डेवलपमेंट किट। तो जैसा कि नाम से लग रहा है एक किट है ये, ठीक है। और इस किट में क्या होता है, ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम्स, जावा के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। JVM, द JVM इज ए डेटा प्लेट जावा प्लेटफॉर्म कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम्स। तो जैसा कि मैंने बताया, JVM क्या है? जावा प्लेटफॉर्म का एक कंपोनेंट है और ये क्या प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम्स, जावा के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। JVM इंटरप्रीट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड। JVM क्या करता है, क्या होता है JVM में? इंटरप्रीटर होता है। वो क्या करेगा? बाइट कोड को मशीन कोड में, और जबकि कंपाइलर क्या कर रहा था इसे ऊपर वाले लेयर में, सोर्स कोड को बाइट कोड में। तो कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर इंटरप्रीटर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये मशीन कोड है वो हमारी जो मशीन है जिसमें जावा प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो मशीन इसको एग्जीक्यूट करेगी। तो JVM जावा वर्चुअल मशीन कौन कौन से काम करता है? लोड करेगा कोड को, फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। JVM का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? क्लास को लोड करेगा। जो हमारी क्लासेज हैं, हम प्रोग्राम किस में लिखते हैं? क्लासेज में। जावा में क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है? जावा के क्लास के अंदर ही होता है। तो क्लास को लोड करेगा किसमें? JVM मेमोरी में। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास को लोड कर रहे हैं JVM मेमोरी में। और JVM मेमोरी है उसमें कौन कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? मेथड एरिया होता है, हीप होता है, स्टैक होता है और नेटिव स्टैक होता है। ठीक है, मेथड एरिया में क्या होते हैं? जो क्लासेज में हमने मेथड्स लिखे हैं वो मेथड्स, उनके वेरिएबल्स, उनको कहाँ स्टोर करना है?
उसके लिए मेथड एरिया होता है हमारा, स्पेशल एक एरिया रिजर्व रखते हैं मेमोरी के अंदर जिसमें मेथड्स और वेरिएबल्स को हम स्टोर करेंगे। हीप, हीप का मतलब हिंदी में होता है ढेर, एक तरह से संचय करना किसी चीज़ का, तो ये भी क्या है, एक स्पेशल मेमोरी है। स्टेक, स्टेक का मतलब होता है जैसे आपके पास खूब सारी किताबें हैं तो आपने एक किताब के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी से किताब के ऊपर किताब ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है, तो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से रखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेक। फिर होता है एक नेटिव स्टेक, नेटिव का मतलब एक तरह से लोकल। अब नेटिव स्टेक है, वहाँ से आगे डेटा कहाँ जाता है, नेटिव इंटरफेस के पास। नेटिव स्टेक से नेटिव इंटरफेस है वो इंटरेक्ट करता है, और नेटिव इंटरफेस है वो इंटरेक्ट किससे करता है, नेटिव लाइब्रेरीज से। नेटिव लाइब्रेरीज कौन सी है, लोकल लाइब्रेरीज हमारी, जिनमें हमारे पास क्लासेज है जावा की, पैकेजेज हैं वो हमारे पास हैं, और जो हम क्लास की ज़रूरत होती है उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू डायरेक्शनल आपको एरो दिख रहे हैं, तो दोनों तरफ ये इंटरेक्शन होता है। फिर नेटिव इंटरफेस है वो इंटरेक्ट करता है इधर एग्जीक्यूशन इंजन से, ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूशन इंजन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ कोई मैकेनिकल की तरह वैसा कोई फिजिकल इंजन नहीं है, ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक इंजन है यहाँ पर। तो एग्जीक्यूशन इंजन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, JIT कंपाइलर, JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम, और गार्बेज कलेक्टर। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं JVM में। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास लोडर क्या होता है। क्लास लोडर इज अ सब सिस्टम ऑफ JVM। ये क्या है, JVM का एक सब सिस्टम है। इट इज यूज टू लोड क्लास फाइल्स। क्या काम है इसका, क्लास फाइल्स हैं उनको लोड करता है, और फिर लोड करके क्या करता है, वेन एवर वी रन द जावा प्रोग्राम क्लास लोडर लोड्स इट फर्स्ट। जब हम किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को जावा का JVM का जो क्लास लोडर है वो उस प्रोग्राम को लोड करता है, ठीक है। तो क्लास लोडर क्या करेगा, जो हमारा जावा का प्रोग्राम है उसको लोड कर लेगा। फिर उसके आगे है हमारे पास मेथड एरिया, क्लास मेथड एरिया। इसमें क्या रहता है, इट इज़ वन ऑफ द डेटा एरिया इन JVM इन विच क्लास डेटा विल बी स्टोर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लास का डेटा है वो स्टोर किया जाता है। डेटा में क्या क्या हो सकता है, स्टेटिक वेरिएबल्स, स्टेटिक ब्लॉक्स, स्टेटिक मेथड्स, इंस्टांस मेथड्स आर स्टोर्ड इन दिस एरिया। मेथड्स क्या है, यहाँ जावा में जो सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते हैं उनको यहाँ मेथड बोला है। हीप, ए हीप इज क्रिएटेड व्हेन द JVM स्टार्ट्स अप। जैसे ही हमारा JVM स्टार्ट होता है तो हीप क्रिएट हो जाती है। हीप क्या है, वही है मेमोरी स्पेस है जहाँ पर हम कुछ स्टोर करेंगे। इट मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज वाइल द एप्लीकेशन रन्स। तो ये जो हीप है मेमोरी का, जो संचय करने का जगह है, वो जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन रन होता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग कितना उसको ज़रूरत है ये कम ज़्यादा होता रहता है। स्टेक, स्टेक भी क्या है, मेमोरी स्पेस है। JVM स्टेक इज नोन एज थ्रेड स्टेक। जो JVM का स्टेक है उसको हम बोलते हैं थ्रेड स्टेक। अब थ्रेड क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा है कि जावा है वो थ्रेड्स को सपोर्ट करती है, और थ्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, धागा। तो एक तरह से इसको समझने के लिए आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि मोटी रस्सी होती है, ठीक है, उसको अगर हम खोल के देखेंगे तो उसमें क्या पतले पतले धागे निकलेंगे, तो 100 धागे मिलके एक मोटी रस्सी बनाते हैं। उसी तरह क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे कोड होते हैं, वो खूब सारे मिलके एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा काम करना, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वो होती है थ्रेड्स। तो JVM का स्टेक है उसको हम बोलते हैं थ्रेड स्टेक। इट इज अ डेटा एरिया इन द JVM मेमोरी विच इज क्रिएटेड फॉर अ सिंगल एग्जीक्यूशन थ्रेड।
तो ये JVM के अंदर ऐसा डेटा एरिया होता है जो क्रिएट किया जाता है फॉर अ सिंगल एग्जीक्यूशन थ्रेड। हर एक जो थ्रेड है उसके लिए अलग से हम क्या करेंगे, स्टैक बनाएंगे। द JVM स्टैक ऑफ अ थ्रेड इज यूज्ड बाय द थ्रेड टू स्टोर वेरियस एलिमेंट्स। तो ये जो JVM का हमारा स्टैक है, जिसको हम थ्रेड स्टैक भी बोल रहे हैं, इसको थ्रेड है वो यूज करेगी और इसमें उस थ्रेड के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर किया जाएगा। अब थ्रेड के एलिमेंट्स क्या है, थ्रेड मैंने क्या बताया, एक तरह से छोटा प्रोग्राम मान लो, एक छोटा कोड मान लो। तो जावा के अंदर कोड होता है, वो छोटा या वो बड़ा हो, उसमें होता क्या है, लोकल वेरिएबल्स, पार्शियल रिजल्ट्स और डेटा फॉर कॉलिंग मेथड एंड रिटर्न। तो हम एक तरह से समझ सकते हैं कि छोटा सा मेथड है, उसको अपने आप को हमने एक थ्रेड बोल दिया। जैसे मैंने बोला कि 2 की टेबल को प्रिंट करो, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ पार्शियल रिजल्ट्स आएंगे, कुछ डेटा रहेगा दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए, और कुछ डेटा रहेगा जो ये फंक्शन है हमारा ये रिटर्न करेगा। फिर आता है नेटिव स्टैक, इट सब सम्स ऑल द नेटिव मेथड्स यूज्ड इन योर एप्लीकेशन। जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है उसके अंदर जितने भी हमारे नेटिव मेथड्स हैं उनको एक जगह करेगा ये नेटिव स्टैक। एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूशन इंजन में हमने दो चीज़ें देखी, JIT कंपाइलर और गारबेज कलेक्टर। JIT कंपाइलर का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये एक पार्ट होता है रन टाइम एनवायरमेंट का। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ जावा एप्लीकेशंस बाय कंपाइलिंग बाइट कोड टू मशीन कोड एट रन टाइम। तो ये क्या करता है JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये जावा की परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ये कंपाइल करता है बाइट कोड को मशीन कोड में, कब, रन टाइम पर। व्हेन अ मेथड इज कंपाइल्ड द JVM कॉल्स द कंपाइल्ड कोड ऑफ दैट मेथड डायरेक्टली। जब मेथड हमारा कंपाइल होता है तो JVM क्या करता है, जो ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड है उस कंपाइल्ड कोड को डायरेक्टली है कॉल करता है। द JIT कंपाइलर कंपाइल्स द बाइट कोड ऑफ दैट मेथड इन टू मशीन कोड, कंपाइलिंग इट जस्ट इन टाइम टू रन। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारा कोई मेथड है उसको रन करवाना है तो उसको पहले कंपाइल करेंगे, वो ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है। तो जो कंपाइल कोड है, कंपाइल होने के बाद कौन सा बना, बाइट कोड। तो JIT कंपाइलर क्या करता है, सीधा उस बाइट कोड को लेता है उस मेथड को और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसका नाम है जस्ट इन टाइम, मतलब बहुत फास्ट ही उसको कंपाइल करेगा, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। गारबेज कलेक्टर, देखिए गारबेज का मतलब कचरा और कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, उसको इकट्ठा करने वाला। तो यहाँ कचरा इकट्ठे करने वाला कौन है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर, मेमोरी कौन सी है यहाँ पर, रैम। तो रैम के अंदर कचरा कौन सा है, कचरे की डेफिनेशन क्या होती है, जो चीज़ हमारे काम में नहीं आ रही वो कचरा है। एज द नेम एक्सप्लेन दैट गार्बेज कलेक्टर मीन्स टू कलेक्ट द अनयूज्ड मटेरियल। तो अनयूज्ड मटेरियल यहाँ पर है क्या हमारे पास, मेमोरी के अंदर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स, इंस्टांसेस, वेरिएबल्स जो हमारे काम में नहीं आ रहे वो अनयूज्ड है, वो कचरा है हमारे लिए, तो उनको कलेक्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो मेमोरी स्पेस को रिजर्व रखेंगे और हमारी जो मेमोरी हम काम में ले सकते हैं उसको काम में नहीं लेने देंगे, वो रिजर्व करके बैठे हैं। इन JVM दिस वर्क इज डन बाय गार्बेज कलेक्शन। तो JVM के अंदर ये काम किया जाता है गार्बेज कलेक्शन द्वारा और ये ऑटोमेटिकली होता है। गार्बेज कलेक्टर है वो सी और सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक नहीं होता है, वहाँ अपने मैनुअली हमें करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू असाइन भी नहीं किया है
और हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो वो कुछ ना कुछ रैंडमली कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट कर ही देता है। वो इसलिए होता है कि जिस मेमोरी लोकेशन पर हमने उसको वेरिएबल को स्टोर किया है वहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ डेटा था पहले से, तो हमने असाइन तो नहीं किया पर उसने उस लोकेशन का डेटा प्रिंट कर दिया। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, कि जावा में पुराना कुछ डेटा रहेगा ही नहीं उसमें। गार्बेज कलेक्टर ट्रैक्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन दी JVM हीप स्पेस एंड रिमूव अनवांटेड वंस। तो जो जावा का गार्बेज कलेक्टर है वो हमारी JVM की जो हीप स्पेस है उसको स्कैन करेगा, उसको ट्रेक करता है और फिर उसमें पता लगाता है कि कौन से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें हैं, और जो भी अनवांटेड है उनको डिलीट कर देता है, वहाँ से हटा देता है और मेमोरी स्पेस को फ्री कर देता है। गार्बेज कलेक्टर वर्क्स इन टू सिंपल स्टेप्स नोन एज मार्क एंड स्वीप। ये दो स्टेप में काम करता है। पहली स्टेप में क्या करेगा, ये मार्क कर देगा। किसको मार्क करेगा? इट इज वेयर द गार्बेज कलेक्टर आइडेंटिफाइज विच पीस ऑफ मेमोरी इन यूज एंड विच आर नोट। ठीक है, तो एक तरह से वो मार्क करता हुआ चलेगा कि कौन सी मेमोरी लोकेशन है वो काम में आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। पहली स्टेप में ये कर दिया। अब दूसरी में स्वीप करेगा, स्वीप कर लो झाड़ू लगाना एक तरह से उनको रिमूव करेगा। अब दूसरे में वो उसको पहले उसका मार्क किया हुआ है कि कौन सा काम का है कौन सा नहीं है, तो जो जो काम में नहीं आ रहा है उनको क्या करेगा, स्वीप वाली स्टेप में उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, दो स्टेप हो गई। पहली स्टेप में मार्क कर दो कि कौन सा काम में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, और दूसरी में जो काम में नहीं आ रहे उनको सबको हटा दो। इसके बाद में आता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं JRE। तो ये क्या काम करता है, ये रन टाइम एनवायरमेंट देता है इन विच जावा प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। द JRE इज ऑन डिस्क सिस्टम दैट टेक्स योर जावा कोड, कंबाइंस इट विद द नीडेड लाइब्रेरीज एंड स्टार्ट्स द JVM टू एग्जीक्यूट। तो JRE होता है वो हमारे ऑन डिस्क सिस्टम पर रहता है और वो जावा कोड जो एग्जीक्यूट करना है उसको लेता है और इसको कंबाइन करता है लाइब्रेरीज के साथ में, उन क्लासेस के साथ में जिनकी इसको ज़रूरत है, और फिर इसको स्टार्ट करना एग्जीक्यूट करता है। द JRE कंटेंट्स लाइब्रेरीज एंड सॉफ्टवेयर नीडेड बाई योर जावा प्रोग्राम टू रन। तो जो भी हमारा जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो JRE के अंदर होती है। वैसे तो JRE है वो JDK का एक पार्ट होता है, पर इसको हम सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए JRE और JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट। JDK की हमें ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें जावा के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करना है तो आपको JDK की ज़रूरत नहीं है, लेकिन JRE की ज़रूरत फिर भी है। क्योंकि अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चलाना है जो जावा के अंदर है, तो उसके लिए एनवायरनमेंट तो JRE प्रोवाइड करेगा। तो JRE तो हर एक कंप्यूटर के अंदर ज़रूरत है, कब, जब आप जावा का कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेब एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, और JDK की ज़रूरत है अगर आप डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर आपने JDK इंस्टॉल किया है तो JDK के साथ में JRE तो अपने आप ही आ जाता है, और आप JDK नहीं कर रहे क्योंकि आप डेवलपर नहीं हो तो JRE को अलग से भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा हर एक कंप्यूटर में टाइम टू टाइम जावा का अपडेट आता रहता है, वो क्या JRE का अपडेट है, वो JDK नहीं है। JDK तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा। जावा डेवलपमेंट किट JDK ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखिए JRE क्या था, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, वो रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एनवायरनमेंट देता है, डेवलप करने के लिए नहीं देता। डेवलप करने के लिए कौन देता है, JDK, और JDK में डेवलप करने के साथ साथ में रन टाइम एनवायरनमेंट भी साथ में आता है। तो JDK काम में आता है जावा को जो एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लेट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए। और जैसे कि इसमें नाम है जावा डेवलपमेंट किट, किट का मतलब एक तरह से अपन कोई भी काम करते हैं तो हर एक काम के लिए किट आता है। तो उस किट में क्या सारे टूल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस काम के लिए। तो वैसे जावा का सॉफ्टवेयर बनाना है हमें
तो उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारे JDK जो किट है हमारा इसके अंदर होते हैं। इट कंटेंट्स JRE, जैसे कि मैंने बताया JDK है तो JRE तो अपने आप ही आ गया इसमें, तो JDK के अंदर ही JRE होता है। JRE एंड सेवरल डेवलपमेंट टूल्स एंड इंटरप्रीटर, लोडर, कंपाइलर, आर्चीवर, ए डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर और एकम्पनीड विथ अनादर टूल। जितने भी टूल्स की हमें ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो सारे JDK के अंदर होते हैं। तो ये था हमारा जावा का आर्किटेक्चर, बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको समझा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।